नमस्कार, स्वागत है आपका प्राइम डिबेट में। हरियाणा विधानसभा चुनाव के लिए भाजपा ने उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी कर दी है। कुल 43 उम्मीदवारों में 7 महिलाएं जबकि 11 युवा चेहरे शामिल किए गए हैं। कांग्रेस का कहना है कि भाजपा की लिस्ट के लगभग 10 उम्मीदवार उधार के हैं, यानी बाहर से आए नेता है। वहीं भाजपा के भीतर भी बाहरी उम्मीदवारों पर नाराजगी दिखने लगी है। 43 सीट्स हम आपके सामने जो तय हुई है उसको रखना चाहते हैं। हरियाणा के विधानसभा चुनाव के लिए भाजपा ने अपने उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी कर दी है। 43 उम्मीदवारों वाली पहली लिस्ट में 7 महिलाएं जबकि 11 युवा चेहरे शामिल हैं। महिला उम्मीदवारों में कांग्रेस को छोड़कर भाजपा में शामिल हुए चौधरी वीरेंद्र सिंह की पत्नी प्रेमलता सिंह का नाम भी शामिल है। उन्हें उचाना कला की सीट दी गयी है। कैप्टन अभिमन्यु को नारनौद और प्रदेश भाजपा अध्यक्ष रामविलास शर्मा को महेंद्रगढ़ की सीट दी गयी है। भाजपा की नवगठित केंद्रीय चुनाव समिति की पहली बैठक में ये लिस्ट तैयार की गई है। बैठक की अध्यक्षता राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह ने की थी। भाजपा की पहली लिस्ट पर विवाद भी शुरू हो चुका है, जहां कांग्रेस भाजपा पर उधार के उम्मीदवार चुनने का आरोप लगा रही है। वहीं पार्टी के भीतर भी नाराजगी दिखने लगी है। नाराजगी इस बात की कि बाहर के प्रत्याशियों को टिकट क्यों बांटे जा रहे हैं। हरियाणा कांग्रेस के अध्यक्ष अशोक तंवर ने भी चुटकी लेते हुए कहा है कि इस बार भाजपा को 4 की बजाय 3 सीटें ही हासिल होंगी। ये जितनी भी टिकटें बटी हैं 43, इनमें से 3 सीटें भी भारतीय जनता पार्टी जीत जाए तो बहुत बड़ी बात है। अशोक तंवर के मुताबिक भाजपा की लिस्ट में करीब 10 उम्मीदवार दूसरे दलों से आए हैं। भाजपा के उम्मीदवारों की लिस्ट पर चर्चा के लिए आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है अजय शुक्ला, वरिष्ठ पत्रकार है। हमारे साथ है अनिल मेहता जी, जो कि बीजेपी लीडर है। साथ ही हमारे साथ है रंजीता मेहता, जो कि कांग्रेस की नेता हैं। बहुत बहुत शुक्रिया मेहमानों का चर्चा में शामिल होने के लिए। शुक्ला साहब, सबसे पहले शुरुआत आपसे करते हैं। आप भाजपा की इस लिस्ट को किस तरह से देखते हैं? क्या आपको लगता है कि एक बैलेंस जो लिस्ट होनी चाहिए थी वो निकल कर सामने आई है? नहीं, बिल्कुल, मैं ये मानता हूँ कि भाजपा की अभी 43 प्रत्याशियों की सूची आई है। इस सूची में लगभग मुझे लगता है सभी को प्रतिनिधित्व देने की कोशिश की गई है जी। सभी वर्ग हैं, महिलाएं हैं, युवा हैं, सभी कम्युनिटी से लोग हैं, जाट हैं, दूसरे गैर जाट हैं। चूंकि भारतीय जनता पार्टी पे लगता रहा है कि गैर जाटों की राजनीति करती है, तो इसमें उसने भी दिखाया है कि वो उनको भी करती है, पिछड़े लोगों को भी शामिल किया, तो इसलिए उस तरह से। और इसमें जो सबसे बड़ी चीज़ है कि उन्होंने अपने कैडर को, जो कहा जाता है भाजपा अपने कैडर को नहीं छोड़ती है, उस चीज़ को कहीं ना कहीं देखने को मिला है कि उसने अपने कैडर को प्रमुखता दी है और कैडर के लोगों को अवसर दिया है। मुझे इस तरह से एक निर्विवादित सी लिस्ट लगती है, क्योंकि भाजपा के पास इससे अच्छी लिस्ट देने का और कोई ऑप्शन नहीं था। अनिल जी, आप कैसे आप अपनी इस लिस्ट को देखते हैं? इससे अच्छी लिस्ट नहीं हो सकती, क्योंकि जो 9 उम्मीदवार कांग्रेस का आरोप है कि वो बाहर से आए नेता है और इसकी वजह से पार्टी के भीतर घमासान भी शुरू हो गया। नेहा जी, टिकट आवंटन के दौर पर दो चीजें बड़ी महत्वपूर्ण है, एक क्लीन कैरेक्टर एंड सेकेंड विनेबिलिटी। जो चीजों का, जो टिकटों का आवंटन किया जाए वो डेमोक्रेटिक तरीके से किया जाए। हमारे यहाँ एप्लीकेशंस बनी, एप्लीकेशंस गई, इलेक्शन का पैनल बना, स्टेट पैनल बना, स्टेट पैनल की रेफरेंसेस के साथ वो जो लिस्ट पैनल तैयार हुआ वो पार्लियामेंट्री बोर्ड के सामने रखा गया। कैंडिडेट्स के प्रॉस एंड कॉन्स देखते हुए, विनेबिलिटी देखते हुए उनको ये मौका दिया गया इलेक्शन लड़ने का, टिकटों का आवंटन किया गया। जहां तक 9 प्रत्याशियों की बात है जो दूसरी पार्टियों से हमारे इसमें आए हैं जी, आप देखिए हर सीट पे हमारे पास, बेशक भले ही वो कांग्रेस से आए हुए उम्मीदवार हो या इनेलो से आए उम्मीदवार हो, सबकी लिस्ट थी। लेकिन जैसा कि मैंने बताया, एक क्लीन कैरेक्टर और विनेबिलिटी देखते हुए, साफ सुथरी छवि देखते हुए उन्हें वहां पर प्रत्याशी बनाया गया जी। जी रंजीता जी, आप क्या कहेंगी? इन्होंने बोला है कि साफ सुथरी छवि इन्होंने ज़्यादा मायने दी है, ना कि ये मायने दिया है कि वो बाहर से आया हुआ नेता है। देखिए, मैं अनिल मेहता जी की, जो पहले तो इन 9 की बात कर रहे हैं, मैं उसको दुरुस्त करना चाहती हूँ। वो 9 की बजाय 10 हैं। 7 कैंडिडेट जो कांग्रेस से शिफ्ट हुए हैं और 3 कैंडिडेट्स इन एलओ से आए हैं। और मेरा ये मानना है, ये कहते हैं कि इनके सभी कैंडिडेट्स, इनके पास लिस्ट आई, आगे इन्होंने सबमिट करवाई,
तो क्लीन छवि क्या इनको ये लगता है कि जो कांग्रेस से माइग्रेटेड थे उनकी क्लीन छवि थी और जो इनके बीजेपी के ऑलरेडी कैंडिडेट्स वहाँ पे टिकट की दावेदारी की उम्मीद कर रहे थे उनकी क्लीन छवि नहीं थी या उनकी विनेबिलिटी नहीं थी? इससे साफ जाहिर होता है कि बीजेपी पार्टी जो है भारतीय जनता पार्टी से भगोड़ो जोड़ो पार्टी के नाम से ज्यादा फेमस होगी, बिकॉज इन्होंने इधर उधर के कैंडिडेट्स इकट्ठे करके उनको टिकट देके इलेक्शन लड़ने की कोशिश की है, बिकॉज इनके पास अपना जनाधार कांग्रेस के मुताबिक हरियाणा में बहुत कम है, इनके पास अपने कैंडिडेट ही नहीं थे, इस वजह से इनकी मजबूरी कह लीजिए या इनकी कोई ऑप्शन नहीं थी, जैसे शुक्ला साहब जी ने कहा, मैं बहुत उनसे सहमत हूँ कि इनके पास और कोई ऑप्शन नहीं थी, इनको इधर उधर से कैंडिडेट्स इकट्ठे करके ही मतलब उतारने पड़ने थे, बिकॉज इनके अपने कैंडिडेट्स की इनके पास कमी है हरियाणा में। जी शुक्ला साहब, आप किस तरह से लेते हैं रजिता जी ने जो अभी कहा कि अच्छे कैंडिडेट्स बाहर के नेता ही लगे इनको, अपने अंदर जो मौजूद थे पार्टी के नेता और काफ़ी टाइम से काम कर रहे थे पार्टी के लिए, वो अच्छे क्यों नहीं लगे? मैं अच्छे बुरे के सवाल से थोड़ा सा ऊपर उठ के बात करना चाहता हूँ। मेरा ये मानना है कि किसी भी पार्टी में आना जाना और ये सब चीज़ें सामान्य से प्रोसेस हो चुके हैं आज की डेट में। वो जमाने चले गए जब होता था कि एक पार्टी में ही पैदा हुए और एक पार्टी में ही मरेंगे, तो वो चीजें तो अब लगभग मुझे लगता है खत्म हो चुकी हैं, क्योंकि लेकिन जिस तरह से चौधरी वीरेंद्र सिंह लेकिन 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 जो हालात हैं, जो चीजें हैं, जो है, तो आज की डेट में तो वो भारतीय जनता पार्टी के क्या नाम कार्यकर्ता है और उसकी सदस्यता ग्रहण करी है उन्होंने। हाँ, ये जरूर है, बिल्कुल सही है, मैं रंजीता जी से इससे सहमत हूँ कि भारतीय जनता पार्टी के पास यदि अपने पुराने ढर्रे पे होती तो आज 90 की 90 सीट के लिए उसके पास चेहरे नहीं थे। चूंकि चेहरे नहीं थे इसलिए बाहर से अच्छे ऑप्शंस की तलाश थी, और जो लोग वहां पर नहीं एडजस्ट हो पा रहे थे उन्हें कोई दूसरा ठिकाना चाहिए था, और इनको अपने लिए अच्छे उम्मीदवार चाहिए थे, तो कहीं ना कहीं ये दोनों की वो है ना सिद्धांत है, जरूरत और मांग का जो सिद्धांत है वो सिद्धांत कहीं ना कहीं पूरा होता है, और इस स्थिति में भारतीय जनता पार्टी ने अपने प्रत्याशी घोषित किए हैं। तो चूंकि अब जहां कहीं भी होता है हर पार्टी का ये इत्तेफाक से रुख रहा है कि कहीं पर भी किसी पार्टी से कोई प्रत्याशी आता है और आकर के वो लगता है कि प्रत्याशी मन निकले तो बेसिकली कई बार टिकट दी जाती है, तो ये सब तो चलता रहता है। जी जी, साथ ही जिस तरह से ये जो केंद्रीय चुनाव समिति है भाजपा की जो नवगठित हुई है, जिसमें से लाल कृष्ण आडवाणी और मुरली मनोहर जोशी को हटा दिया गया था, उसके अध्यक्षता में ये तैयार की गई लिस्ट है, ये क्या ये दर्शाती है कि जो भाजपा की नवगठित केंद्रीय चुनाव समिति है वो अब ज़्यादा परिपक्व है? देखिए, मैं तो मानता हूँ, क्योंकि देखिए वक्त के साथ में एक ठहरे रहना पानी को सड़ा देना है जी। निश्चित रूप से वक्त के साथ में बदलाव होना चाहिए। मेरे सीनियर्स हैं, मेरे माता पिता होंगे, जब कभी वो काम करने काबिल थे तो वो काम करते थे और हमको उन्होंने बड़ा किया और चीजें करी, वो बड़े हो गए, तो मेरा अपना खुद फर्ज बनता है कि उनसे कहूँ कि आप आराम से बैठिए, आप छोड़िए काम। मुझे याद है मेरे फादर का 2 साल का सर्विस का एक्सटेंशन मिल रहा था, तो हमने कहा कि नहीं, हम तीनों भाइयों ने इत्तेफाक से कहा कि नहीं आप ये रहने दो एक्सटेंशन, अब बहुत नौकरी कर चुके हैं हम लोग, करने की स्थिति में है, आप बैठो आराम से, ऐसे घूमो, जहाँ जो कुछ करना है करो और हम काम हम करेंगे, आप अपना मार्गदर्शन दो हमें। पर यहाँ वो सम्मान नहीं, मैं वही चीज कह रहा हूँ, तो कमोबेश यही चीजें तमाम सारी सार्वजनिक संस्थाओं पर भी लागू होनी चाहिए और लागू हो रही है धीरे धीरे, मुझे लग रहा है सभी जगह, कांग्रेस में भी, कांग्रेस में भी है। राहुल जी ने, आपको यदि याद हो, 2008 में जब यूथ प्रोजेक्ट लॉन्च किया था, इत्तेफाक से पहली उसकी पीएचडी चैम्बर ऑफ कॉमर्स में ही की थी, और इत्तेफाक से उस दिन पहला इंटरव्यू राहुल का मैंने किया था, तो इसलिए मुझे पता है कि उस दिन जब बात हुई थी तब उन्होंने मुझे बोला था कि मेरी एक ही तमन्ना है, शादी मेरे लिए वो नहीं मायने रखती है, मेरे लिए ये है कि यूपी में मुझे कांग्रेस को उस तरह से लाना है जो राजीव जी के वक्त में थी, और उनके नेतृत्व में 2009 का जब इलेक्शन लड़ा गया लोकसभा का, तो आप ये देखिए कांग्रेस जो है सपा के साथ गठजोड़ करके सिर्फ 12 सीटें मांग रही थी, उसने नहीं दी, और कांग्रेस अपने बूते अकेले राहुल जी के कारण 21 सीटें लेके आई थी, और लोग आरोप लगाते हैं राहुल पर कि उनके कारण विधानसभा में कम हुई सीट। मैं आपको कहता हूं कि आप यदि आंकड़े देख लीजिए, हाँ, जितनी वो सफलता चाहते थे उतनी नहीं मिली, लेकिन पीछे से सीटें बढ़ी, तो कहीं ना कहीं इस चीज को ये कि यूथ कहीं ना कहीं मुझे लगता है
प्रेफर किया जाना चाहिए और बड़ों को मार्गदर्शन के लिए ही रखना। ये जो लिस्ट आई है अनिल मेहता जी, 11 युवा चेहरे को शामिल किया गया है, क्या ये कोशिश है पार्टी के युवा चेहरों को खुश करने की? और यहाँ पर भी प्रदेश में भी ऐसा लग रहा है कि जो बुजुर्ग या फिर उम्रदराज नेता है वो पीछे रह गए? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। पार्टी ने हर सेक्शन को रिप्रेजेंटेशन दी है, चाहे वो बुजुर्ग नेता हो, पार्टी के बड़े नेता हो, रामबिलास शर्मा जी, मनोहर लाल खट्टर जी, चाहे वो यूथ लीडर हो महिपाल डांडा जैसे, या ऐसे नेता जिनका कोई पॉलिटिकल बैकग्राउंड नहीं था, नैब सिंह सैनी जैसे जिनको नारायणगढ़ से पार्टी ने प्रत्याशी बनाया है। तो पार्टी ने कोशिश करी है, किसी को खुश करने की कोशिश नहीं करी है। पार्टी ने एक डेमोक्रेटिक ढंग से पार्टी चलाई है, टिकटों का आवंटन किया है और सबको उसी के तहत टिकटें बांटी गई। लेकिन डेमोक्रेसी पे थोड़ा सा सवाल उठा रही है कांग्रेस, वो करेगी जोड़ तोड़ के आपने कैंडिडेट तो कर लिया लेकिन इस बार जीत आपको नहीं मिली। देखिए जी, कांग्रेस को तो मुद्दे चाहिए, चाहे वो जोड़ तोड़ के कहीं कुछ भी कहें। जब लोकसभा के इलेक्शन थे तो जब 7-5 कैंडिडेट्स को बाहर से टिकट दी गई जो कांग्रेस छोड़कर हमारी पार्टी में आए थे, तब इन्होंने शोर मचाया कि 70% कैंडिडेट्स तो कांग्रेस के हैं जो इलेक्शन लड़ रहे हैं। आज जब वहां की कैंडिडेट्स की रिप्रेजेंटेशन सिर्फ 20% है जिनको टिकटें मिली हैं, वो आज भी शोर मचा रही हैं। उनको कुछ कहने के लिए चाहिए, उनको कुछ मसाला चाहिए, तो बस वो कुछ शब्द चाहिए उनको कहने के लिए और वो अपना। रंजीता जी, जो मुद्दा आप उठा रही है, क्या आपको लगता है कि चुनाव में इस मुद्दे को देखकर ही वोटिंग होगी या मतदाता ये सोचेगा कि ये तो उस नेता, उस दल का नेता था और ये दल बदलू नेता है? बिल्कुल, देखिए अब अगर मैं आपको एग्जांपल देती हूँ, सबसे पहले कि एक जो ओरिजिनल टीवी होता है उसके ओरिजिनल स्पेयर पार्ट्स होते हैं, जो उसकी परफॉर्मेंस होती है, उसके अलावा एक जो टीवी बनता है जिसको लेफ्ट राइट सेंटर से नए पार्ट्स लाके उसको बनाया जाता है, उसकी परफॉर्मेंस में जमीन आसमान का फर्क होता है, क्योंकि ओरिजिनल ओरिजिनल होता है और जो मतलब एक कंबाइन करके बनाया जाता है उसकी परफॉर्मेंस अलग होती है। जैसे शुक्ला जी ने मुझे कहा जो डिमांड और सप्लाई की बात की कि उधर से डिमांड थी और इधर से सप्लाई थी, तो उनका भी काम चल गया, इनका भी काम चल गया। पंजाबी की बहुत बड़ी कहावत है कि साडा गोबर निबड़ गया तो इन्हें घर लिप पिया गया, ठीक है ना। तो मेरा ये मानना है कि जो ये कहते हैं कि हमने पूरे डेमोक्रेटिक वे से इन्होंने अपनी चुनाव किया है, ऑलरेडी 43 सीट्स में से 10 सीट्स इन्होंने बाहर के लोगों को दी हैं, 20 इट्स मोर देन 20%। तो मेरा ये मानना है कि बाकी 50% में भी हमें काफ़ी उम्मीद है ये रेशो बढ़ेगी, ये कम नहीं होगी। लेकिन जिस तरह से लोकसभा के चुनाव में मोदी की हवा ने काम किया था और वो कैंडिडेट्स भी जीत गए थे जिनके बारे में बिल्कुल, देखिए तब मोदी लहर थी जो लोगों को लगता था मुंगेरी लाल के हसीन सपने होंगे, मोदी जी आएंगे, पता नहीं कैसा एक जादू चलाएंगे, महंगाई कम कर देंगे, नई नई नीतियां लाएंगे, पर ऐसा कुछ नहीं हुआ। जैसे जैसे उनका टेन्योर बीतता जा रहा है लोगों का भ्रम टूटता जा रहा है, और जिस तरीके से मोदी जी की लहर पूरे देश में थी उसी तरह से हमारे चौधरी भूपिंदर सिंह हुड्डा जी की लहर हरियाणा में है, थी और रहेगी। चौधरी भूपिंदर सिंह हुड्डा जी ने जितने विकास कराए हैं उनका जो नेतृत्व है वो ऑलरेडी लोगों ने परखा हुआ है, उसको दोबारा परखना वो दोबारा चाहेंगे, क्योंकि ऑलरेडी इतना विकास जितना हरियाणा में हुआ है, हरियाणा नंबर 1 अपने स्टैटिस्टिक्स की वजह से है, अपने कामों की वजह से है। इस तरीके के पास बीजेपी के पास ऐसा कोई भी चेहरा नहीं है। बीजेपी की जो लिस्ट है वो हुड्डा के विकास कार्यों के आगे फीकी साबित होगी। बिल्कुल, कोई चेहरा नहीं है इनके पास जिसको कि आगे सीएम का नाम देके आगे लोगों के लाए और लोग उनको पसंद करें। तो मेरा ये मानना है कि चौधरी भूपिंदर सिंह हुड्डा के सामने कोई भी ऐसा चेहरा नहीं टिक सकता जो ये नया लाके खड़ा करेंगे, क्योंकि उनका काम ऑलरेडी लोगों ने आजमाया हुआ है, उनको पता है कि उनका क्या काम है और वो क्या विकास कर रहे हैं। बड़े खेत के साथ मुझे कहना पड़ रहा है कि रंजीता जी 10 साल तक 20 साल तक 50 साल तक जिन्होंने कांग्रेस की सेवा करी, जो कांग्रेस में रहे, आज रंजीता जी उन्हें ही गोबर कह रही हैं। शुक्ला साहब, जिस तरह से INLD अब तक अपनी लिस्ट जारी कर चुकी है और वो भी राज्य की एक प्रमुख पार्टी मानी जाती है, 73 सीटों पर उन्होंने उम्मीदवार अपने घोषित कर दिए हैं और अब 43 उम्मीदवारों की भाजपा की लिस्ट भी सामने आ गई है, कितना आप देखते हैं कि कितनी परिपक्व दिखती है भाजपा की लिस्ट और कितनी INLD की? देखिए, मैं यदि व्यक्तिगत रूप से, मेरा मानना है कि INLD की लिस्ट स्ट्रांग लिस्ट है जी। उसको आप कहीं से हल्के से नहीं ले सकते। आप कहें पंचकुला से ही शुरू कर दीजिए, पंचकुला से उन्होंने बनिया कैंडिडेट उतारा था ये सोचते हुए कि पंजाबी के बाद में सबसे ज्यादा वोट बनिया का है वहां पर, बनिया कम्युनिटी को उतारा और उन्होंने ये सोच करके और उनका उस परिवार के व्यक्ति को उतारा जिसका अपना खुद का अच्छा एक वजूद है। इसी तरीके से आप दूसरी जगह आप चलते चलें जहाँ पर जाटों का ज्यादा प्रभुत्व है उसको उन्होंने ध्यान रखा, तो मतलब उनकी लिस्ट में जातिगत, उसके अलावा धर्म का, उसके बाद में महिलाओं का,
युवा का, सारी चीज का सम्मिश्रण था। और चूंकि वो जड़ से जुड़े हुए हैं, पर ये महिलाएं तो यहाँ पर भी हैं, साथ एक एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट भारतीय जनता पार्टी का वोट जो है, वोट शेयर होता रहा है पिछले विधानसभा तक 12% मैक्सिमम है। आप एक चीज समझिए, इस लोकसभा चुनाव में वो पहुंचे हैं 24 point something पे, और इसके बाद में भाजपा जो ये इनेलो जो है वो 22 point कुछ पे साथ पे रही है। जी जी। तो कहीं ना कहीं आप इस चीज को वोट बैंक का शेयर देखेंगे तो कहीं ना कहीं बिल्कुल लमसम बराबर दिखता है, और वो यहाँ के जहां पर उनका है तो उनका वो गढ़ कट्टर वोट बैंक है जी। इनका अपना कैडर वोट एक सीमा तक है, उसके बाद में वही चीज कि जो बाहर से लोग आए हैं वो कितना वोट दिला पाते हैं और कितना कर पाते हैं। लोकसभा चुनाव में एक और चीज देखनी पड़ेगी कि लोकसभा चुनाव में किसी भी वोट से ज्यादा जो सबसे इंपॉर्टेंट थी वो ये था कि मोदी के नाम का असर, मोदी का जो जादू था उसने इन्हें 7 seats दिलाई हैं, भारतीय जनता पार्टी के कैडर ने नहीं दिलाई है जी। लेकिन जैसे कि इतना रविंद्रजीत सिंह थे, धर्मवीर मलिक है, उनके तो कैडर ने ही जीत दिलाई थी। क्या नहीं, मैं आपको आप एक चीज देखिए ना कि वो, फिर मैंने आपसे क्या कहा, इनका कैडर नहीं था ना, तो वो जो आए थे वो लोग अपने साथ जो चीज लेके आए हैं उसका असर था ना, या फिर मोदी का असर था जी। इनका कैडर का तो सीमित स्थिति ये है कि 4 seats निकालने बहुत है, जो सच है, मैं आंकड़ों से बाहर नहीं जा रहा हूँ, ये मेरा आंकड़ा नहीं है, ये जो इनका 1977 से लेके अब तक का जो परफॉर्मेंस है मैं उसके आधार पर कह रहा हूँ। कुल मिला के स्थिति ये थी कि इनकी स्थिति कई बार ये भी रही है कि मैं आपको एक और हिस्टोरिकल बात बताता हूँ कि 10 की 10 seats जीतते हैं लोकसभा के उसमें है, और विधानसभा में आकर के इनकी स्थिति बिल्कुल खराब हो जाती है। तो इन सब चीजों को कहीं ना कहीं वो करना पड़ेगा, क्योंकि विधानसभा का चुनाव देखिए, वो चुनाव राष्ट्रीय चुनाव था, देश प्रधानमंत्री के रूप में मोदी को मांग रहा था और उसका एक इनको फायदा मिला। ये विधानसभा का चुनाव है, विधानसभा चुनाव में स्थानीय मुद्दे प्रमुखता से होते हैं, राष्ट्रीय मुद्दे गौड़ होते हैं जी। ऐसी स्थिति में इनको बेनिफिट कितना मिलता है कितना नहीं मिलता है, क्योंकि जो स्थानीय नेता इन्होंने अपने साथ जोड़े हैं कांग्रेस से, इनेलो से, इनसे, उनका बेनिफिट ये कितना उठा पाते हैं ये इस पे निर्भर जी। जिस तरह से अभी से ही कभी करनाल से खबर आ रही है, रेवाड़ी से खबर आ रही है कि वहां पर विरोध शुरू हो गया है लिस्ट जारी करने के बाद, आपको लगता नहीं कि आपका जो कार्यकर्ता है, जो भाजपा का अपना कार्यकर्ता है, वो कहीं नाराज होता दिख रहा है क्योंकि बाहर से प्रत्याशियों को टिकट दिया गया है? नहीं नहीं अजी, जहां भी आपने नाम लिया है, चाहे वो गुड़गांव का नाम लिया है, करनाल का लिया है, वहां पर जितने प्रत्याशी को प्रत्याशी बनाया गया है, टिकट दी गई है, वो पार्टी के काडर के लोग हैं, काडर से काम करने वाले लोग हैं। और जहाँ तक मनमुटाव की बात है कि जहाँ विरोध हो रहे हैं, वो छोटा सा मनमुटाव, अब एक एक इतना हर्ष और उल्लास है पार्टी को लेकर, इतना जोर है पार्टी को लेकर लोगों में टिकट को लेने के उसमें, कि एक एक जगह से 20-20 लोगों ने अपने पर्चे भरे हैं, अप्लाई किया है, तो कहीं ना कहीं हल्का हल्का मनमुटाव है जो धीरे धीरे ठीक हो जाएगा समय के साथ। आपको समय के साथ पार्टी उनको समझा देगी, उनको समझ भी आ जाएगा। लेकिन साथ ही कांग्रेस एक और चुनौती दे रही थी कि मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार आप घोषित करें, उस चुनौती को आपने क्यों नहीं, शायद ये वाला फड़ना यहाँ इन चुनाव में भी काम है। पार्टी के इंटरनल स्ट्रेटेजी है कि कब घोषित करना है, कब घोषित नहीं करना है, पार्टी ने अपने हिसाब से काम करना है, ना कि कांग्रेस के हिसाब से काम करना है। तो जैसे ही उसका सही वक्त आएगा हम पार्टी का उम्मीदवार भी सीएम पद के लिए घोषित कर देंगे जी। यानी आप घोषित कर सकते हैं आने वाले भविष्य में? बिल्कुल, पार्टी की स्ट्रेटेजी के हिसाब से, जैसे पार्टी स्ट्रेटेजी बनाएगी विद रिगार्ड टू इलेक्शन, इलेक्शन इज ऑल अबाउट मैनेजमेंट नाउडेज जी जी। जैसे ही वो होगा मैनेज किया जाएगा, इलेक्शन अगर लगता है पार्टी को कि कैंडिडेट बना के फायदा होगा तो कैंडिडेट पहले बनाया जाएगा जी। शुक्ला साहब, आपको लगता है कि आने वाले भविष्य में, या क्योंकि चुनाव बिल्कुल सर पर है, मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार घोषित कर सकती है भाजपा? नहीं, मुझे नहीं लगता कि करेगी, क्योंकि देखिए एक चीज है, पहली तो एक सिस्टम जो संवैधानिक सिस्टम तो ये है कि पार्लियामेंट्री कमेटी चुनती है अपना नेता और वो करती है तो ये, लेकिन चूंकि परंपरा चल पड़ी है कि हाँ अपना मुख्यमंत्री का कैंडिडेट घोषित कर दो, अपना वो कर दो, जिससे एक पारदर्शिता रहे, जिस चीज को कांग्रेस सबसे ज्यादा बना रही है जी। तो कांग्रेस तो कभी नहीं करती रही है, पर यहाँ तो कर रही है। नहीं नहीं,
प्रदेश में बात आप ये समझिए, कांग्रेस ये कह रही है कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा के नेतृत्व में ही चुनाव लड़ा जाएगा। जी। ये नहीं कह रही है कि वो करेगा। आप बात शब्दों का चयन सुन लीजिए। जी जी। और उसके बाद में इसी तरीके से है, ये तमाम सारी चीजें हैं भारतीय जनता पार्टी चूंकि करती रही है, तो ऐसी से आपको याद हो यदि पंजाब में उन्होंने कैंडिडेट घोषित किया था सीएम का और चुनाव लूज किया, तो इस कारण से तमाम सारी स्ट्रेटेजिकल होता है। मुझे लगता है चुनाव में वो करें ना करें ये उनका इंटरनल मैटर है, यदि कर देते हैं तो अच्छा है, नहीं करते तो अच्छा है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने डिसीजन लिया है तो ठीक है, वो उसकी वजह मौजूद है, उसकी वजह मौजूद है कि तमाम सारे लोगों को जोड़ा है, उनमें उम्मीद कहीं ना कहीं दिल में पल रही है कि हम सीएम हो सकते हैं, हम सीएम हो सकते हैं। तो भाई उम्मीदों को तब तक क्यों तोड़ा जाए, तब तक और पाला जाए, कितना उसका बेनिफिट मिलेगा। पार्टी तो देखिए अपने बेनिफिट को सोचेगी और सोचना भी चाहिए, हर पार्टी राजनीतिक पार्टी सोचती है, तो वो अपनी बेनिफिट में कि हम किस नेता का कहां पर कितना फायदा उठा सकते हैं। भारतीय जनता पार्टी को लगता था यहां पर हम हरमोहन धवन का फायदा उठा सकते हैं चंडीगढ़ में, तो उनको तमाम सारे लॉलीपॉप दिए जाते रहे, बाद में जो करना है पार्टी कर। जी, पार्टी करती है। ये अंदर का भय है, अंदर का उनका भय है, इसकी वजह से ही नहीं वो कर पा रहे हैं, क्योंकि उनको पता है कि जिस दिन उन्होंने ये चीज कर दी और बाकी जो पार्टियां छोड़ छोड़ के सीएम के उम्मीदवार इनमें शामिल हुए हैं, उनमें फिर से भगदड़ मच जाएगी और खिलाफत होगी, इसी डर की वजह से अपना सीएम कैंडिडेट डिक्लेयर नहीं कर रहे। अगर इसी तरह की स्ट्रेटजी इन्होंने अपने लोकसभा के चुनाव में अपनाई होती तब क्यों कह रहे थे कि मोदी जी बनेंगे, क्योंकि पर ये भय तो कांग्रेस में भी नजर आ रहा है रंजीता जी, जिस तरह से उन्होंने बोला कि मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार तो नहीं लेकिन नेतृत्व में लड़ा जाएगा। यही देखिए, हमें किसी तरीके का भय नहीं है, हमारे पास लीडर्स भी हैं और सीनियर नेता भी हैं, और चौधरी भूपिंदर सिंह हुड्डा जी जो फेस है हमारे हरियाणा के वो ऑलरेडी परखे हुए हैं, तो हमारी जनता जो है तीसरी बार अगर फिर से उनके हाथ में बागडोर संभाली जाती है तो किसी भी जनता को उसकी खिलाफत या उसका विरोध करने का जरूरत नहीं है, बिकॉज ऑलरेडी उनकी इतनी क्लीन छवि है, इतनी क्लीन इमेज है, इतनी साफ सुथरी राजनीति उन्होंने की है कि लोग उनका स्वागत कर रहे हैं कि तीसरी बार फिर से उनके हाथ में बागडोर संभाली जाए। जी, साथी रंजीता जी, एक और जो जहन में सवाल आता है कि वो नेता जो कांग्रेस में खुश नहीं थे और अब भाजपा में चले गए और वहां पर अगर उनको कहीं से टिकट मिल जाता है तो उस पर अब कांग्रेस को क्यों गुस्सा आ रहा है कि ये बाहर से आए हुए नेता है? देखिए, हमें कोई गुस्सा नहीं आ रहा, हमें तो बीजेपी की दयनीय स्थिति पे बता रहे हैं कि भगोड़ों को जोड़कर इन्होंने टिकट की लालच दे दे के अपनी तरफ बुलाया और उनके ऊपर ही दाव खेल रहे हैं। अगर हम पंचकुला की बात करते हैं, ज्ञानचंद गुप्ता जी को दी गई है, तो लोगों का जो व्यू वहाँ होता है कि चला हुआ कारतूस है, पहले भी कितनी बार ये हार चुके हैं, तो इनके पास अपने सफिशियंट कैंडिडेट्स ही नहीं थे, इस वजह से इनके पास कोई ऑप्शन नहीं थी। और अगर इन्हें कांग्रेस के लोगों के ऊपर दावेदारी अपनी ठोक रहे हैं तो पब्लिक को, जनता को दिख रहा है कि अगर हमने कांग्रेस के लोगों को ही वोट देनी है, क्यों हम माइग्रेटेड लोगों को वोट दें, बेहतर हम जो ओरिजिनल कांग्रेस ही है उनको दें। वजह क्या है शुक्ला साहब, वजह क्या है जो लोग कांग्रेस छोड़कर अगर भाजपा में शामिल हुए या फिर इन्हें लोग छोड़कर भाजपा में शामिल हुए वो भगोड़े इस वजह से नहीं देगी या फिर भाजपा ज्यादा मजबूत हो रही है इसलिए वहां पर गए? नहीं, देखिए दो चीजें देखनी पड़ेगी। जिन लोगों ने कांग्रेस छोड़ी है, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कांग्रेस के यहाँ पर हरियाणा पंजाब में उस वक्त से जुड़े हैं जब कांग्रेस यहाँ पर आई थी, तब से कांग्रेस के परिवार, और जब कांग्रेस के बुरे दिन थे उस वक्त में जो कुछ लोग रह गए थे उन वो लोग भी छोड़ के गए। मतलब आप ये सोचिए, जिस समय मैं इसको कहने में मुझे कोई गुरेज नहीं है कि जिस जमाने में भूपेंद्र सिंह हुड्डा का परिवार भी कांग्रेस में नहीं था, कुछ वक्त लग रहा था, उस वक्त भी जो कांग्रेस में रहे थे उनमें भी तमाम सारे लोग हैं कि छोड़ के इस समय गए हैं। उसके उसकी वजहें कुछ व्यक्तिगत हैं, कुछ पार्टी की नीतियों को लेकर, या ये वजह हो सकती है कि भाजपा अब ज्यादा बड़ी पार्टी की तरफ हरियाणा में प्रदर्शन, ये भी हो सकता है कि क्योंकि आज की डेट में देखिए जब आदमी अपना भविष्य तलाशने निकलता है तो निश्चित रूप से सोचता है कि अब यहाँ पे तो मेरे लिए कुछ बचा नहीं है, जब यहाँ बचा नहीं है तो कहाँ पर मेरे लिए संभावनाएं हो सकती है, और ऐसी जगह जो आगे आकर के भविष्य दे सकती है, तो आदमी ऐसे में पार्टियां तलाशता है। ऐसी स्थिति में आज की डेट में भारतीय जनता पार्टी इसलिए नजर आती है क्योंकि देखिए केंद्र में सत्ता में आ चुकी है और आज तक हरियाणा की हिस्ट्री रही है, केंद्र में जो सत्ता में रहा है हरियाणा में ने उसको प्रमुखता दी है, तो कहीं ना कहीं एक ये है। दूसरी चीज, भारतीय जनता पार्टी में एक होड़ सी मची हुई है कि हाँ भाजपा में जाएंगे तो शायद जीत जाए और शायद ये हो जाए, क्योंकि जनता का एक रुख होता है, मतदाता अपना रुख चेंज करता है और चीजें बदलता है वक्त के साथ में, तो मतदाता ने जो रुख चेंज किया है उसका एक फायदा उठाने की एक होड़ है। मुझे इससे ज्यादा और
कुछ नहीं। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे मेहमानों का चर्चा में शामिल होने के लिए। भाजपा अपने बूते पर पहली दफे हरियाणा में विधानसभा चुनाव लड़ने जा रही है, उसकी पहली लिस्ट में बड़े नाम भी शामिल हैं, लेकिन आधी लिस्ट अभी आना बाकी है, तभी पता चल सकेगा कि लिस्ट क्या कहती है। प्राइम डिबेट में फिलहाल इतना ही। नमस्कार। खबरों की दुनिया में आइए हमारे साथ, कहीं भी और कभी भी जुड़िए। हम मिलेंगे फेसबुक पर, हम दिखेंगे YouTube पर, हमें फॉलो कीजिए ट्विटर पर। खबरों के साथ बने रहिए रात दिन।